प्रदेश के किसानों के लिए इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। तो जैसा कि हम आपको बता दें कि अगले विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा धान खरीदी के मामले में कोई बड़ा दाव खेलने की तैयारी में है। वह 6 दिवसीय प्रवास पर रायपुर पहुंचे हुए छत्तीसगढ़ भाजपा प्रभारी ओम माथुर ने पत्रकारों से बातचीत में कुछ ऐसा ही संकेत दिया है, जहाँ छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से 2800 रुपये में धान खरीदी को लेकर की जा रही तैयारी के प्रश्न पर माथुर ने कहा कि इंतजार करिए, कांग्रेस क्या कर रही है और हम क्या करेंगे यह आपको समझ में आएगा। माथुर ने आगे कहा कि पिछली बार भी कहे थे, इस बार भी कर रहे हैं, इंतजार करिए। वैसे बता दें कि छत्तीसगढ़ की सियासत में धान एक ऐसा मुद्दा है जिसे सरकारें बनती और बिगड़ती है। जैसे कि भाजपा के शासनकाल में 15 वर्ष तक सियासत चावल के इर्द गिर्द ही घूमती रही। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह तो चावल वाले बाबा के नाम से मशहूर रहे, मगर पिछली बार चुनाव में कांग्रेस ने धान का समर्थन मूल्य 2500 रुपये करने का वादा कर विधानसभा चुनाव जीता था। तो वहीं अभी प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ा दाव खेलते हुए प्रति एकड़ 15 की जगह 20 क्विंटल धान खरीदने की घोषणा कर दी है। साथ ही धान के समर्थन मूल्य में भी 2800 रुपये तक होने की उम्मीदें हैं। वैसे आगे बात करें तो माथुर ने कहा कि यह विशुद्ध रूप से संगठनात्मक दौरा है। हम विधानसभा स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ साथ दुर्ग और बस्तर संभाग का भी दौरा कर प्रमुख नेताओं से बात करेंगे। हर विधानसभा में नेताओं को जो जिम्मेदारी सौंपी थी उसकी रिव्यू मीटिंग भी है। दिल्ली में पिछले 3 महीने से प्रदर्शन कर रहे रेसलर की मांग को लेकर केंद्र की ओर से कोई कार्यवाही न होने को लेकर ओम माथुर ने कहा कि निश्चित तौर पर उनसे बात हुई है, मंत्री से भी बात हुई है, कुछ न कुछ हल जरूर निकलेगा। और अब इन सब के बीच देखना ये होगा कि किसानों के हित के लिए सरकार की ओर से क्या बड़ा फैसला लिया जाता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही और अपडेट के लिए वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल CG36 न्यूज को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन जरूर कीजिएगा, ताकि नई नई जानकारियाँ आपको ऐसे ही मिलती रहे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।